हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग का एंगल ऑफ पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड, मैं अभी सबसे पहले आपको एक प्लेन दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, ये है प्लेन। सो फ्रेंड, आप लोगों को एज्यूम करना पड़ेगा ये सारा प्लेन जो है ट्रांसपेरेंट प्लेन है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सो फ्रेंड, मैं अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड पे। जैसे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक लाइन है, वर्टिकल लाइन, और ये जो लाइन देख पा रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये सारी प्लेन है, ठीक है फ्रेंड। तो मैं इसको बनाने वाला हूँ बोर्ड पे। देखिए, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये प्लेन है, ठीक है। मैं अभी दिखा रहा हूं, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मैं इस ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कुछ दूरी ऊपर में इसको प्रोजेक्ट किया हूं, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको कहूंगा कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो अबव द एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी। इसका मतलब ये है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो है एचपी से ऊपर है और वीपी से वीपी के सामने में है। तो चलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। सो फ्रेंड, अगर मैं ऐसा रखता हूँ, अगर मैं ऐसा रखूंगा ऑब्जेक्ट को, अगर मैं फ्रंट से देखूंगा, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया है एंगल ऑफ पोजीशन ऑफ पॉइंट में, उसमें बताया गया है कि अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट है और मैं उसको फ्रंट से देख रहा हूं, तो ये फ्रंट व्यू जो है ना इस प्लेन पे बनेगा, ठीक है फ्रेंड। फ्रंट व्यू इस प्लेन पे बनेगा, और अगर मैं टॉप से देख रहा हूं तो इसका टॉप व्यू जो है इस प्लेन पे बनेगा। तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये मेरा ऑब्जेक्ट है फ्रेंड, मैं ऑब्जेक्ट को फ्रंट से देख रहा हूं, ठीक है। ये व्यूअर है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट। जब मैं इसको फ्रंट से देखूंगा तो इसका जो व्यू है फ्रंट व्यू इस जगह पे बनेगा, ठीक है फ्रेंड, यहां पे बनेगा। और जब मैं टॉप से देखूंगा इसका टॉप व्यू इस जगह पे बनेगा, ठीक है। यह प्लेन, मैंने प्लेन को दिखा दिया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें ये चार प्लेन है, एक प्लेन, दो प्लेन, तीन और चार। ये चारों प्लेन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। आपने जो है ये देखिए, आप लोग ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर इस जगह पे रख रहा हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहा हूँ और मैं इधर से, ये ऑब्जेक्ट है इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और मैं फ्रंट से देख रहा हूँ, इधर से देख रहा हूँ, तो ये वाली जो फ्रंट, ये जो व्यू है, ये व्यू को हम फ्रंट व्यू बोलेंगे और ये फ्रंट व्यू जो है इस प्लेन पे बनेगा। तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको। देखिए, इस तरह का जो है वो इस यहां पे बनेगा, ठीक है फ्रेंड। और ये जो ग्लास है, मैं अगर इसको ऐसा रख रहा हूं, इसको मैं यहां पे ऐसा रख रहा हूं, फ्रंट से देख रहा हूं, तो फ्रंट व्यू यहां पे बनेगा, और टॉप से अगर मैं देखूंगा तो टॉप व्यू इस जगह पे बनेगा इस तरह से। देखिए, यहाँ एक डाया है, ये बड़ा वाला डाया है, ये छोटा वाला डाया है, फ्रेंड छोटा वाला डाया, बड़ा वाला जो दिख रहा है, तो इस तरह से जो है इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। और जब मैं इसको फैला दूंगा तो ये बन जाएगा इस तरह से। चलिए, एंगल ऑफ पोजीशन पे चार एंगल होता है फ्रेंड, चार एंगल ऑफ पोजीशन होता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये फ्रंट वीपी है, ये एचपी है, ये वीपी है और ये एचपी है। वीपी का मतलब होता है वर्टिकल प्लेन, और एचपी का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन,
तो मैं अभी इसके बारे में डिस्कस करूंगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में। ये होता है फर्स्ट एंगल, ये होता है सेकेंड एंगल, एक होता है थर्ड एंगल और एक होता है फोर्थ एंगल। ठीक है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो आप देखिए फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर ड्राइंग बनती है और सेकेंड और फोर्थ में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता फ्रेंड, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। देखिए जितने भी एचपी है, यहाँ पे दो एचपी है, दो एचपी प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ये वाली है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ये वाली है। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है 90 डिग्री रोटेट करता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करता है। जब 90 डिग्री रोटेट करेगा फ्रेंड, तो ये वाली जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ये क्या करेगा, एचपी जो है जाके वीपी के साथ में ओवरलैप करेगा, जिसके वजह से फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ड्रॉइंग नहीं बनती है। सिमिलरली मैं सेकेंड एंगल की बात करूं, उसमें भी क्या है कि जो एचपी है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करता है और क्या करता है, वो जाके वीपी पे जाके ओवरलैप कर जाएगा, जाके वीपी पे ओवरलैप करेगा। ड्यू टू ओवरलैपिंग वी कैन नॉट मेक द ड्राइंग इन सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वी कैन नॉट मेक एनी टाइप ऑफ ड्राइंग इन दैट प्रोजेक्शन एंड वी कैन मेक द ड्राइंग इजीली इन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो फिर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल। तो चलिए देखिए हम लोग अभी डिस्कस करेंगे फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में। सो फ्रेंड मैं दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यह है एचपी और यह है वीपी। ठीक है फ्रेंड, यह भी वीपी है, यह एचपी है। ठीक है, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनती है, सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेकंड क्वाड्रेंट पे बनती है, इसी तरह से सिमिलरली थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट पे बनती है और फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट पे बनती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का, क्योंकि सेकेंड और फोर्थ को नहीं पढ़ना है फ्रेंड। मैंने पहले भी बता चुका है कि सेकेंड और फोर्थ में जो है ड्यू टू ओवरलैप हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे 90 डिग्री पे, इससे क्या होता है कि ओवरलैप होता है, ओवरलैप होने से क्या होता है ड्राइंग नहीं बन पाती है। इसलिए हम लोगों को सेकेंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग फर्स्ट और थर्ड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट किस जगह पे रख रहा हूं फ्रेंड, ये ऑब्जेक्ट है मेरी। ठीक है, और हम फ्रंट से देख रहे हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं फ्रंट से, इसका मतलब ये है मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो व्यूअर और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में बनता है, यह व्यूअर और यह है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, इसका बीच में बनता है, तो हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज लाइज इन बिटवीन व्यूअर एंड प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। ठीक है, पॉइंट नंबर वन क्या है कि मेरे जो ऑब्जेक्ट है ये व्यूअर तथा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है वीपीएचपी, इसका बीच में बनती है, ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनती है, इट इज अपीयर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनती है, हम लोग इसको लिख सकते हैं इट इज अपीयर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, हर कंट्री पे बनाया जाता है, यूएसए को छोड़ के, तो लिख सकते हैं इट इज यूज फॉर ऑल कंट्रीज अदर देन यूएसए।
ठीक है फ्रेंड, यूएसए को छोड़ के सात कंट्रियां फर्स्ट आईएल पोजिशन को ही प्रीफर करती है। ठीक है, उसके बाद मैं रख रहा हूं और मैं जैसे फ्रंट से देख रहा हूं, जब अगर मैं देख रहा हूं ऑब्जेक्ट को, तो इसके जो फ्रंट व्यू है इसमें बनेगा और टॉप से देखूंगा तो टॉप व्यू जो है इस प्लेन पे बनेगा। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये है एक्सिस जो है, इस एक्सिस का ऊपर में जो है फ्रंट बनेगा, नीचे में टॉप बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे कर दूंगा, सपोज इस तरह का है ये, ठीक है, मैं इसको नीचे कर दूंगा तो फ्रंट भी ऊपर में टॉप भी नीचे बनेगा। इस तरह का फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, मैं इसको नीचे कर दे रहा हूं क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो रोटेट करता है तो मैं रोटेट करवा दिया। आप देखिए यहां पे फ्रंट व्यू है, यहां पे टॉप व्यू बनेगा। देखिए फ्रेंड, यहां पे जो है इस तरह का बनेगा, ये एक्सिस है, ठीक है, यहां बनेगा फ्रंट व्यू, ये वाली फ्रंट, ये जो फ्रंट से मैं देख रहा हूं फ्रंट यहां पे बन रहा, और इसका ये वाला ओरिजिनल प्लेन रोटेट करने से नीचे आ जाएगी, ये नीचे यहां पे टॉप व्यू हो जाएगी, टॉप व्यू। और देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे जो है फ्रंट राइट साइड में लेफ्ट में, लेफ्ट साइड में राइट में बनेगा, तो मैं इधर राइट साइड में बना, लेफ्ट साइड बनेगा, लेफ्ट साइड व्यू बनेगा यहां पे, लेफ्ट साइड व्यू। और ये मेरी राइट साइड है, ये मेरी राइट साइड की लेफ्ट में बनेगा, लेफ्ट साइड राइट में बनेगा, यानी लेफ्ट राइट साइड वाला व्यू लेफ्ट साइड में बनेगा और लेफ्ट साइड वाली व्यू राइट साइड में बनेगा, यहां पर राइट साइड बनेगा, राइट साइड व्यू। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को, आप क्या है संभव के बारे में पढ़ूंगा। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट इस जगह पे है, इसका व्यू जो है यहां पे बनेगा, यानी ग्लास से फ्रंट व्यू इस तरह का यहां पे बनेगा, और टॉप से मैं देखूंगा तो टॉप व्यू यहां पे बनेगा। ठीक है, और मैं जैसे इसको इस तरह से है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, मैं इस तरह खोल के देखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए आप लोग, इस तरह से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है और मैं इसको खोल के देखूंगा तो इस यहां पे बनेगा ये वाला, और ये फ्रंट व्यू यहां पे बनेगा और टॉप व्यू इस जगह पे बनेगा। तो मैं कैसा दिखा सकता हूं इसको, देखिए सिंबल पे ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड, ये वाली यहां पे दिखे कैसे, और टॉप व्यू इस तरह का दिखेगा। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया आपका, और ये वाली जो डायमीटर है, ये वाला डायमीटर जो है यहां पे छोटा वाला डायमीटर को दिखा रहा है, बड़ा वाला डायमीटर है, बड़ा वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल का सिंबल, ये सिंबल है, ठीक है ना फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, राइट साइड में लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में राइट साइड, ये आप लोगों को दिमाग में रखना होगा। तो आइए आप हम लोग थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट पे रख रहा हूं तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, मतलब जो मेरा थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे बनता है। तो एक पॉइंट होगा कि इट इज अपीयर इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, क्योंकि थर्ड एंगल ऑफ पोजीशन थर्ड क्वाड्रेंट पे बनेगा, फर्स्ट एंगल ऑफ पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनेगा, सेकंड एंगल ऑफ पोजीशन सेकंड क्वाड्रेंट पे बनेगा, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। अब सेकंड केस, अब अगर मैं यहां पे रख रहा हूं, ये मेरा ऑब्जेक्ट, मैं यहां पे ऑब्जेक्ट रख रहा हूं और मैं यहां से देख रहा हूं फ्रेंड, ये व्यूअर, ये व्यूअर है, व्यूअर को हम ऑब्जर्वर भी बोलते हैं, ये व्यूअर है, व्यूअर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी अपलोड कर रखा है, उसमें मैंने पढ़ाया है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस के बारे में, उसमें भी मैंने क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के बारे में अच्छी तरह से क्लियर करवाया है। अगर आपको किसी तरह से कोई डाउट है तो प्रीवियस वीडियो को अपन अच्छा से देख लें, ताकि ये सारी प्रॉब्लम जो है आपको ना हो, और अगर समझ में आ रही होगी तो वेल एंड गुड।
चलिए दीवार यहां से देख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। सो फ्रेंड बीच में जो आ रही है प्रोजेक्शन प्लेन है, क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है वो व्यूअर और ऑब्जेक्ट के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो प्लेन ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जो है लाइक इन बिटवीन व्यूअर एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जो है मेरा वो व्यूअर तथा ऑब्जेक्ट के बीच में बन रहा है। ये थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहा हूं। आप क्या है कि जो थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में जो व्यू बन रहा है या फिर जो ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर रहे हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखिए थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में यूएसए कंट्री यूज करती है थर्ड एंगल ऑपरेशन। यूएसए कंट्री जो है थर्ड एंगल ऑपरेशन पर ड्रॉइंग बनाती है, अदर देन जितना भी कंट्री है वो सारा फर्स्ट एंगल ऑपरेशन पर बनाती है, ठीक है। मैंने इसके पहले ही पता लगता है कि जो फर्स्ट एंगल ऑपरेशन है उसमें हमारे कंट्री इंडिया तथा बहुत सारी कंट्रियां फर्स्ट एंगल ऑपरेशन प्रीफर करती है यूएसए को छोड़ के। तो इसी तरह से थर्ड एंगल ऑपरेशन पे यूएसए ही प्रीफर करती है, बाकी सारा कंट्री जो है इसको प्रीफर नहीं करते। तो मैं एक क्लेम और लिख सकता हूं, यूएसए प्रीफर थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। दे मेक ड्रॉइंग इन थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। यूएसए जो है थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ड्रॉइंग बनाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे कौन कौन सी कंट्री ड्रॉइंग बनाती है तथा थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे कौन कौन सी कंट्री बनाती है। सो फ्रेंड फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे हमारा देश इंडिया तथा बहुत सारी और कंट्रियां हैं जो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे ड्रॉइंग बनाती है यूएसए को छोड़ के, और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे यूएसए बनाती है बाकी सारा कंट्री को छोड़ के, ठीक है। उस जगह पे रख रहा हूं और मैं यहां से देख रहा हूं तो इसका जो फ्रंट व्यू है इस प्लेन पे बनेगा और टॉप व्यू यहां पे बनेगा, ठीक है फ्रेंड। यहां पे बनेगा टॉप व्यू और यहां पे बनेगा फ्रंट व्यू, ठीक है। और ये एचपी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करता है तो यहां पे ये चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको देखता हूं। अगर मैं यहां पे फ्रंट व्यू बना रहा हूं, ठीक है, ग्लास का, तो फ्रंट व्यू ये बन गया, ये फ्रंट व्यू, और टॉप व्यू जो है इस जगह पर बनेगी। मैं जब भी इसको देख रहा हूं ऑब्जेक्ट को फ्रंट यहां से देख रहा हूं तो इस प्लेन पे जो है फ्रंट व्यू बनेगा और इस प्लेन पे जो है टॉप व्यू बनेगा, ठीक है फ्रेंड। और जब मैं इसको प्लॉट करूंगा इस तरह, ये है ऐसा, इसको मैं जब ऐसे प्लॉट कैसे देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो छोटा वाला डाया है ये वाला डाया दिखा रहा है और बड़ा वाला डाया जो है फ्रेंड ये वाला डाया, ठीक है। ये हुआ सिंपल थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का, काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जाता है। तो आप लोग डिफरेंस भी समझ चुके हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी आप लोगों को क्लियर हो गया है इस वीडियो के माध्यम से। ये आपका एक्सिस है एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए ये टॉप व्यू है, टॉप में ही बन रहा है, फ्रंट व्यू जो है यहां पे फ्रंट पे बन रहा है, यानी टॉप व्यू इस जगह पे बनेगा ऊपर में ही और फ्रंट व्यू नीचे, राइट साइड तो राइट साइड में ही बनेगा और लेफ्ट साइड टू लेफ्ट साइड, ठीक है फ्रेंड। मतलब कि जिस पोजीशन पे जो है उसी पोजीशन पे बनेगा इन केस ऑफ थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये हुआ आपका व्यू का रिप्रेजेंटेशन।
सो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कोई पूछता है तो आप लोग आसानी से बता पाओगे, और अगर पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सो फ्रेंड आशा करता हूँ कि ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। मैं आगे भी इस तरह का वीडियो बनाते रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। सो चैनल को अपन सब्सक्राइब।